तो कल हमने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था और हमने ये बताया था कि जो बायो सावर्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिससे हम किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से उससे आर डिस्टेंस पर क्या निकाल सकते थे। ये था करंट कैरिंग वायर और इसमें करंट फ्लो हो रही थी आई और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था पी। तो बायो सावर्ट ने कहा पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पे कितनी फील्ड है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि इस एक अगर मैं एक एलिमेंट मान लूं डीएल लेंथ का जिसको हम कहते हैं करंट एलिमेंट, तो इसकी वजह से यहाँ पर कितनी फील्ड होगी डीबी। और उन्होंने उसके लिए फॉर्मूला दिया, लास्ट में कल हमने निकलवाया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले से वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। क्या निकाल सकते हैं हम इससे, ये क्या मिला हमें इससे, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन नहीं मिल रही है हमें इससे, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली फॉर वही वाली बात की करंट एलिमेंट के लिए, मतलब पूरे वायर की वजह से नहीं बता पा रहा है, लेकिन एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से कितनी फील्ड है वो ये बता पा रहा है। दूसरी चीज, अगर हमें मान लो पूरे वायर की वजह से पता करनी है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बायो सावर्ट ने बता दिया, उसके बाद हम मैथ्स लगा लेंगे, हम कहेंगे अच्छा छोटे से लेंथ की वजह से इतनी है तो पूरे की वजह से कितनी होगी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, अगर पूरी लेंथ एल है, पूरी लेंथ वायर की एल है, तो 0 से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, एल तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमें डीबी से पूरी, डीबी का इंटीग्रेशन बी, और जो भी इंटीग्रेट जिस जो भी लिमिट हो, और पहले तो लिमिट के लायक बनाएंगे आगे वाली चीजों को, देखो यहाँ लिमिट लेंथ की लगी है, इधर साइन थीटा है, आर है, तो वो सब कैलकुलेशन रहेगी मैथ्स की जब हम डेरिवेशन करेंगे कि इंटीग्रेशन करना कैसे है, ठीक है, लिमिट कैसे लेनी है। लेकिन ये बात है कि अगर हमें छोटे से एलिमेंट की वजह से पता है तो हम पूरे वायर की वजह से जितनी भी उसकी लेंथ है या जो भी उसकी शेप है उस वजह से टोटल फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, इससे सिर्फ क्या निकल रहा है, मैग्नीट्यूड, और बिना डायरेक्शन के ये चैप्टर अधूरा है। तो मैग्नीट्यूड निकालना इज इजी, मैथ्स है, कर लेते हैं बच्चे, याद कर लेते हैं डेरिवेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपको क्या मेन है इस चैप्टर में, आपको क्या पता लगानी आनी चाहिए, डायरेक्शंस पता करनी आनी चाहिए। तो मैं आपको डायरेक्शन बता रही हूँ, पहले ये नोट करो, कर लिया, नो नो मैम, मैम, करो बच्चे ये नोट करो ये वाली चीज जल्दी से। डन, चलो अब जिस करनी हो स्क्रीनशॉट ले लो। और कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट नहीं गर्ल्स? नो मैम। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि म्यू नॉट क्या है। थोड़ा सा म्यू नॉट के बारे में देख लेते हैं कि म्यू नॉट है क्या बच्चों। जो म्यू नॉट है मैंने कल बता दिया था, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी नहीं, क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। ये मैं कल बता चुकी हूँ आपको, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम, इसकी जो वैल्यू होती है। तो पहले तो आप बी की यूनिट देख लो, जो बी की यूनिट रहती है ना, अभी आगे आ भी जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ बी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जो यूनिट है बी की वो है टेस्ला, क्या है, टेस्ला, टेस्ला नहीं, टेस्ला यूनिट है इसकी। ठीक है, दूसरी यूनिट है इसकी और करके लिख लो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, अभी के लिए याद कर लो, बी की यूनिट बता रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला और
न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एक और आती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये पता है कहाँ से आती है? देखो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की याद है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, होता था ई डॉट ए, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था। जब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई की जगह बस बी आ जाता है, समझ रहे हो? ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है यहाँ पर वेबर, क्या होती है? वेबर। तो बी की कितनी हो जाएगी? वेबर और अपॉन में एरिया पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आती है ये, मतलब ये तीनों यूनिट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले से आती हैं। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें यूनिट पता चलती जाएंगी कि कहाँ से आई है। फिलहाल के लिए दिमाग में रख लो कि ये तीनों यूनिट होती है, कोई सी भी यूज कर सकते हैं, तीनों तीनों ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की ये यूनिट है तो म्यू नॉट की क्या हो जाएगी? बताओ मुझे म्यू नॉट की क्या हो जाएगी? देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो इसकी क्या है, क्या लगा रहे हैं हम इसकी, मान लो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है, म्यू नॉट अप 4 पाई की तो कोई होगी नहीं, आर स्क्वायर उधर गया तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर, आई की क्या हो गई नीचे एम्पियर, डीएल की क्या हो गई मीटर, साइन थीटा की बता दो यहाँ पे क्या लग जाएगा, मीटर से मीटर स्क्वायर चला गया, यूनिट क्या बची? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, ये भी आ जाएगी। अब अगर तुम इसकी जगह टेस्ला रखते, बी की यूनिट यहाँ टेस्ला रखते, तो म्यू नॉट की एक और यूनिट आ जाती, समझ रहे हो? तो वो जो यूनिट आती है वो आती है, और करके लिख लो, आती है टेस्ला पर एम्पियर मीटर। कहाँ से आती है ये, कब आएगी, ये कब आएगी नीचे वाली यूनिट, कब आएगी? जब आप बी टेस्ला रखोगे, है ना, देखो यहाँ पर टेस्ला रख दोगे, पूरे की जगह टेस्ला रख दोगे तो नीचे एम्पियर मीटर रखेगा उधर, ठीक है। नोट करो इसको, वैल्यू बताते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की कितनी होती है। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अच्छा याद है कितनी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी? के नहीं, उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी? 5 × 10 की पावर 9। हाँ, 9 × 10 की पावर 9 थी ना। ऐसे ही यहाँ पे ये कांस्टेंट है, मतलब बिल्कुल ये सिमिलर है, समझ लो उसके जैसे एनालॉग ही है, कि वहां पे था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज को वो तुम्हें एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि आज तुम ये नई चीज देख रहे हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अब तुम्हारे लिए बिल्कुल नया शुरू हुआ है ना, तो तुम तो म्यू नॉट भी पहली बार देख रहे हो, ये वर्ड भी पहली बार सुन रहे हो जिंदगी में कि कुछ परमेबिलिटी नाम की भी चीज होती है। तो धीरे धीरे तुम इन सब चीजों से फैमिलियर हो जाओगे, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से फैमिलियर हो गए, वैसे ही इससे हो जाओगे कि भैया हाँ है जिंदगी में ये चीज, ठीक है, इसको भी साथ लेके चलना है, ठीक है, जैसे उससे हो गई दोस्ती वैसे इससे हो जाएगी, ठीक है। तो एक दो दिन नया लगेगा फिर ठीक लगेगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू रहती है 10 की पावर -7। यूनिट क्या होगी? देखो यूनिट जरूर याद रखें, न्यूटन पर एम, जो भी आपको आसान लगे वो याद रख लें, बाकी आनी आपको सारी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू 1 वर्ड में कोई सी भी पूछी जा सकती है कि नेम द क्वांटिटी विच हैज यूनिट दिस, नेम द क्वांटिटी विच हैज यूनिट दिस, 1 मार्क में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स हैं वही थोड़ी याद रखने लायक हैं, थोड़ा नई होती हैं सारी, टेस्ला हो गया, वेबर हो गया, तो नए नए वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक। तो इनको याद रखना यूनिट्स को, क्योंकि 1 वर्ड यहाँ से बहुत बनता है। तो म्यू नॉट कितना आ गया? म्यू नॉट अकेले की वैल्यू, जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरे की लगानी है तो 10 की पावर -7 लगाएंगे, अकेले म्यू नॉट की लगानी है तो लगाएंगे 4 पाई उधर ले जाओ और मल्टीप्लाई में 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बोलो ठीक है, समझ आ गई बात सबको? मैम इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है? स्पेसिफिक वैल्यू बेटा यही है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की पूरे वैल्यू 10 की पावर -7 ही लगानी है, कांस्टेंट है ये। वो तो 4 पाई उधर ले गए ना, अगर अकेले मी नॉट की निकालनी है, और ये वैल्यू किसके लिए है? फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, ठीक है।
नोट हो जाए तो बता देना। नोट सबका। चलो अब ये वाला फॉर्मूला याद रखने, आप दिमाग में डालने अपने ये फॉर्मूला, बायो सावर्ट लॉ याद करो। डीवी एक छोटे से करंट एलिमेंट की जगह की वजह से फील्ड है, कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द स्केलर फॉर्म। अब डायरेक्शन निकाल रहे हैं, हेडिंग डालो कि हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। चलो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। देखो डायरेक्शन किससे पता लगेगी, हमेशा याद रखो, जो अभी तुमने कल वेक्टर फॉर्म लिखी थी, तो तुमने वेक्टर फॉर्म लिखी थी कि डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ब्रैकेट में आई थी वेक्टर फॉर्म डीएल क्रॉस आर, इसको ओपन कर दिया था तो स्केलर फॉर्म आ गई थी, अपॉन आर स्क्वायर, ये थी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आर यहाँ पर नीचे आर क्यूब होगा ना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में क्या आता है नीचे, याद है कूलम्स लॉ में भी वेक्टर फॉर्म में नीचे क्यूब आ रहा था, याद आया वेक्टर फॉर्म याद है कूलम्स लॉ की? यस मैम। तो उसमें नीचे जब आपने वेक्टर फॉर्म लिखी थी तो आर क्यूब आया था, जब स्केलर फॉर्म लिखी थी तो आर स्क्वायर आया था, तो सेम यहाँ पर है कि वेक्टर फॉर्म में यहाँ नीचे आर क्यूब है और स्केलर फॉर्म में आर स्क्वायर है। कल सही लिखी थी या गलत लिख दी थी जल्दबाजी में, देख लेना, करेक्ट कर लेना, कल जहां वेक्टर फॉर्म लिखी थी ना उसको आर क्यूब कर लेना, जब जो कल वाले नोट्स हैं आर क्यूब कर लेना, राइट। चलो अब देखो जो डायरेक्शन पता लगती है वो डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन के लिए जो यूज करोगे, डायरेक्शन के लिए यूज करोगे तुम हमेशा ये डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, इसके क्रॉस निकालने से डीएल की डायरेक्शन किधर है और आर की डायरेक्शन किधर है, इससे तुम्हें डायरेक्शन ऑफ फील्ड पता चलेगी। किसकी पता चलेगी? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। और कौन सा रूल लगाएंगे हम? पहले मैं बताती हूँ, पहले हम लगाएंगे स्क्रू रूल, फिर बाद में शॉर्टकट भी बता देंगे, लेकिन शॉर्टकट कम जगह पर यूज हो पाएगा, तो मेन रूल समझना जरूरी है, दैट इज स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम स्क्रू रूल ही लिखो, वो दूसरा। ठीक, चलो तो स्क्रू रूल से कैसे पता करेंगे डायरेक्शन? देखो यहाँ पर एक वायर है मान लो, और इसमें करंट जा रही है आई, आई इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये करंट जा रही है। यहाँ पर तुमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट काटा डीएल वेक्टर, ठीक है, और इस करंट एलिमेंट से कितनी डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। तो तुमसे कहा जाए कि भाई इस पॉइंट पी पे फील्ड कितनी होगी, तुम कहोगे भाई इतनी होगी, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta upon r square, ये तुम कहोगे इतना मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी होगी फील्ड की। हम तुमसे पूछे भाई इसमें डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन डिनोट करो फील्ड की, तो तुम कहोगे यहाँ पर हम लगाएंगे स्क्रू रूल, जो किससे, किसके क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा, dl क्रॉस r। अच्छा कैसे मिलता है यहाँ पर, कि तुम्हें यहाँ पे देखो r से dl, dl से r की तरफ, dl से r की तरफ स्क्रू टाइट करना है। देखो dl इधर है, आर इधर है, तो जिधर भी स्क्रू टाइट किया है कभी, तो अगर तुम ऐसे ऐसे स्क्रू टाइट करते हो तो स्क्रू कहाँ जाएगा, कहाँ घुसेगा, वो अंदर की तरफ, और ऐसे ऐसे खोलोगे तो कहाँ निकलेगा, बाहर की तरफ। तो तुम डीएल से आर की तरफ चलना है, डीएल क्रॉस आर, तो यहां से इधर की तरफ, तो कैसे चले, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे चले हो, ऐसे यहां से इधर, तो जब ऐसे चल रहे हो तो स्क्रू टाइट अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ निकलेगा, बोलो इस पॉइंट पे, स्क्रू बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ, अगर तुम डीएल से आर की तरफ ऐसे घुमा रहे हो, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जाएगा। तो बस इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, कैसी है, इनवर्ड। और इनवर्ड डायरेक्शन को हम इस चैप्टर में क्या, जहां भी कहीं डायरेक्शन इनवर्ड होगी ना, वहां हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे क्रॉस लगा के, इस क्रॉस का मतलब है इनवर्ड, ठीक है, बनाओ इसको, फिर एक और एग्जाम्पल लेंगे, समझ आ जाएगा।
जो ये वाला रूल है ये कभी फेल नहीं होगा, कहीं भी लगा लोगे। फिर शॉर्टकट भी बताएंगे कि कैसे लगा सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात, कैसे आया इनवर्ट? डीएल क्रॉस आर, तुम्हें डीएल से जिधर भी डीएल है, डीएल इधर है और आर देखो इधर है, आर इधर है, डीएल इधर है, तो तुम्हें डीएल से आर की तरफ चलना है, हमेशा डीएल से आर की तरफ चलना है, आर से डीएल की तरफ नहीं चलना है। ठीक है, डीएल क्रॉस आर, क्योंकि तुमने 11th क्लास में पढ़ा था जो ए क्रॉस बी होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, क्या साइन आता है, माइनस साइन आ जाता था आगे क्रॉस प्रोडक्ट में, डायरेक्शन बदल जाती है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, किसके बराबर होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, बदल जाती है, कॉम्यूटेटिव रूल कहते हैं इसे। लेकिन ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता था, ए डॉट बी जो होता था वो बी डॉट ए के बराबर होता था। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब लेते हैं दो चीजों का तो जो आंसर आता है उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है कि ए से बी की तरफ जा रहे हो कि बी से ए की तरफ, तो यहाँ हम डीएल से आर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, चलो दूसरा इसका एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा तुम्हें कैसे करना है। अच्छा यहाँ लो, अब मान लो वही वायर में करंट इधर है और अब पॉइंट इधर है, अब करंट यहाँ आई है करंट, ये थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पे पॉइंट है और ये कितना पार्ट काटा, डीएल। ठीक, अब पॉइंट इधर है, अब बताओ डीएल से आर की तरफ चलो तो कैसे चलेंगे, इस इधर से इधर की तरफ, डीएल से आर की तरफ, तो स्क्रू कहाँ आएगा अगर ऐसे ऐसे चलोगे तो, बाहर की तरफ आएगा, है ना, क्योंकि तुम इधर चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, डीएल से आर की तरफ चल रहे हो, बाहर आएगा, तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, जहां भी आउटवर्ड फील्ड होगी वहां पे डॉट लगाएंगे ऐसे सर्कल करके, जहां इनवर्ड फील्ड होगी वहां पे क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, यस मैम, नोट करो। नोट कर लो तो बताना, फिर इसका शॉर्टकट बता के फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कर लिया चलो। अब देखो बच्चों, अब देखो इसका एक शॉर्ट मेथड भी लगा सकते हैं, ये थी ना, ये है करंट आई इधर जा रही है, इसका एक करंट एलिमेंट काट लिया हमने डीएल, और इससे आर डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पर एक पॉइंट है पी, यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। यहाँ पर हम थंब रूल भी लगा सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल भी कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल, कई लोग इसे राइट हैंड पाम रूल भी कहते हैं। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसमें बड़ा सिंपल है, इसमें थंब को करंट की तरफ रखना है, थंब को करंट की तरफ रखना है ऐसे, जिधर भी करंट है, और ऐसे जिधर आपकी फिंगर्स रैप हो रही होंगी, और फिंगर्स को ऐसे रैप करना है। तो देखो इस पी पॉइंट पर फिंगर्स कहाँ जा रही है तुम्हारी, इनवर्ड या आउटवर्ड, अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो कैसे जा रही है, इनवर्ड, तो यहाँ पर फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, इनवर्ड, ये डायरेक्ट पता कर सकते हैं आप, लेकिन ये हर जगह कुछ क्वेश्चंस जान के बोर्ड में ऐसे बना दिए जाते हैं कि तुम्हें राइट हैंड थंब रूल से निकले ना, वो तो जो हर जगह यूज होगा वो इससे पहले वाला रूल यूज होगा, दैट इज स्क्रू रूल, तो वो दिमाग से नहीं निकालना है, इसको भी यूज कर लेना है लेकिन जहां यूज हो रहा, जहां ये नहीं लग पाए वहां पे तो मैं स्क्रू रूल से देखना है, क्योंकि जान के कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं कि ये वाला आसान होता है ना, तो ये लग आसानी से जाता है। अच्छा मान लो यही पॉइंट इधर है, इधर पॉइंट क्यू है, और कितनी डिस्टेंस पर है, मान लो आर डिस्टेंस पर ही है, इसकी लेंथ है डीएल, करंट कितनी जा रही है इसमें आर, इससे कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर पॉइंट क्यू है और थीटा एंगल पर, ये बताओ। अब यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो वही राइट हैंड थंब रूल से निकाल रहे हैं, वो वाले से तो निकाल चुके, तो देखो थंब रखा हमने करंट की तरफ, ऊपर करंट है और ऐसे फिंगर को रैप किया, तो पी पे फिंगर बाहर जाएगी और क्यू से फिंगर्स बाहर आएंगी ऐसे, तो क्यू पे फील्ड कैसी हो गई, बोलो, आउटवर्ड हो गई, आउटवर्ड हो गई, राइट। तो तुम ये रूल भी यूज कर सकते हो, बट हर जगह नहीं हो पाएगा, बता रही हूँ पहले से ही, कुछ कुछ जगह कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर
वेक्टर्स की टेल से टेल कनेक्ट होनी चाहिए, जैसे ये डीएल वेक्टर की टेल है और ये आर वेक्टर की टेल है, ठीक है, टेल से टेल कनेक्ट होगी, उसके बाद डीएल से आर की तरफ चलना है जब हम स्क्रू रूल लगाएंगे। चलो इसको नोट करो, फटाफट लाते हैं, कुछ चीजें करते हैं, फिर एक और चीज खास बतानी है डायरेक्शन से रिलेटेड। हटा लूं? नोट कर लिया बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलो देखो बच्चों, दूसरी खास बात, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी इस पे, ठीक है। जब आप ए क्रॉस बी निकालते हो ना, थोड़ा सा इलेवेंथ का है, जब आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इसको बोलते हैं बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीच में क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका आंसर आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका जो आंसर आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी इसका आंसर हुआ उसके पास डायरेक्शन भी है, तभी तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला। इसका फॉर्मूला रहता था मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर। हाँ, तो जो ये जो चीज होती थी, ये आ जाता था ए बी साइन थीटा और साथ में इसका यूनिट वेक्टर। तो जो ये चीज होती है, ये तो आपको देती है मैग्नीट्यूड, और जो ये यूनिट वेक्टर लगा होता है, ये चीज आपको देता था डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन होती थी ना, ये इन दोनों के जस्ट परपेंडिकुलर आती थी, ये जो होती थी ये परपेंडिकुलर होती थी टू बोथ ए एंड बी। शायद याद हो, जब आप लोग आई क्रॉस जे निकालते थे तो आंसर क्या आता था? के वेक्टर, याद है? यस मैम। हाँ, जे क्रॉस के निकालते थे तो आंसर आता था आई वेक्टर, याद है? आई इधर होता है, जे ऊपर होता है और के ऐसे बाहर की तरफ होता है, लेकिन उसे बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखो आई से जे की तरफ चलो, अब जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें लगा के दिखा दूं तुम्हें समझ आ जाएगा। अब तुम्हें निकालना है मान लो आई क्रॉस जे, तो तुम फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड। आई जे के क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स, जिनका मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? एक। और आई जे के किस लिए यूज होते हैं? डायरेक्शन बताने के लिए। आई एक्स डायरेक्शन में होता है, वाई जे डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में जेड होता है। और यहाँ पे लगाते हो साइन आई ऑफ। हाँ बोलो मैम। कोई आर एन टेन तो ओ से एंट्री मांग रहे हैं। नहीं नहीं, टेंथ को मत लेना, आठ से पहले कर लो वेटिंग के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, आई और जे के बीच में एंगल कितना है देखो, 90 डिग्री, ठीक। अच्छा, अब डायरेक्शन देखो कैसे आती है, स्क्रू रूल से आती है। इसमें भी किससे किस तरफ चलो, देखो आई से जे की तरफ चलो, आई से जे की तरफ, आई क्रॉस जे है ना, आई से जे की तरफ चल रहे हैं, तो स्क्रू कहाँ आएगा? बाहर की तरफ। बोलो, आई से जे की तरफ चलो तो स्क्रू कहाँ आएगा? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, और बाहर कौन सा वेक्टर है? के वेक्टर। यहाँ पे डायरेक्शन क्या आई? के वेक्टर। आई का मैग्नीट्यूड भी वन हो गया, जे का मैग्नीट्यूड भी वन हो गया, है ना, और साइन 90 वन हो गया, आंसर क्या हुआ? के वेक्टर। ऐसे आता था आई क्रॉस जे के। याद आया कुछ? इलेवेंथ का टॉपिक है ये। यस मैम। याद आया? हाँ, तो यहाँ पर जो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसका जो आंसर का डायरेक्शन आती है, वो डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। अब इससे क्या रिजल्ट निकला कि जब तुम डीएल क्रॉस आर निकालते हो ना, डीएल क्रॉस आर, डीएल के साथ आई भी लगा होता है, डीएल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है और आर उधर होती है, तो आंसर किस डायरेक्शन, तुम्हें इसके रिजल्ट से किसकी मिल रही है? मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन किसकी मिल रही है? उसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डीएल आईडीएल के भी परपेंडिकुलर होगी और आर के भी परपेंडिकुलर होगी। इस बात से मुझे बताने का ये मतलब था कि जो बी की डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन क्या आएगी वो तो तुम्हें पता ही चल गई, अभी मैंने निकाल के बताई, लेकिन वो डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी
टू आइडियल एंड आर वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी ही होगी, इन दोनों के जस्ट परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, उसके बाद मैं तुम्हें दो चार एग्जांपल कराती हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा तुम। चलो नोट करो इसको, थोड़ी सी टेंथ की चीज है, वो इलेवेंथ की चीज है, ये वाली नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट वो होता है जिसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फॉर्मूला ये रहता है, ये मैग्नीट्यूड से मिलता है और इस यूनिट वेक्टर से क्या मिलती है, डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों के जस्ट परपेंडिकुलर होती है। चलो कुछ क्वेश्चंस करें, नोट कर लो तो बताओ जल्दी से। मैम कर लिया नोट। कर लिया, चलो अब डायरेक्शन तुम बताना, ठीक है। डायरेक्शन की प्रैक्टिस करा रही हूँ, जरा दो मिनट। चलो पहला ये वायर है, तुम कैसे भी बताना, चाहे तुम स्क्रू रूल लगाना, चाहे तुम राइट हैंड थंब, अगर राइट हैंड थंब ना लगे तो स्क्रू लगा लेना। इस डायरेक्शन, इस वायर में करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, यहाँ पर पी पॉइंट पे फील्ड बताओ किधर होगी। डायरेक्शन किससे निकलती है, डीएल क्रॉस आर से, आईडीएल क्रॉस आर से, इससे भी निकल जाती है और राइट हैंड थंब रूल से भी निकल जाती है। चलो बताओ यहाँ पे क्या होगी, आउटवर्ड होगी इनवर्ड होगी। आउटवर्ड 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 होगी, राइट हैंड लगा दोगे तो उससे भी पता चल रहा है और डीएल क्रॉस आर लगा दोगे उससे भी पता चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। आउटवर्ड, चलो ये तो सबने कर लिया, वेरी गुड, शाबाश। दूसरा लगाते हैं, बिल्कुल आउटवर्ड का मतलब ऐसे सीधा सीधा बाहर की तरफ ऐसे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर टू, ये इसमें इधर है करंट और यहां पर निकालना है, यहाँ पे क्या होगी डायरेक्शन बच्चों। मैम आउटवर्ड आएगी। देखो राइट हैंड थंब रूल इधर रखो, ऐसे करो, राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लग सकता है, तो देखो इधर जा रही है ऐसे, क्यू से कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ, फिंगर्स, फिंगर्स जिधर आए ना थंब को करंट की तरफ, जिधर फिंगर्स आ रही है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, आउटवर्ड। स्क्रू रूल भूलना मत, स्क्रू रूल में क्या करते हैं, डीएल से आर की तरफ घुमाते हैं, अगर स्क्रू अंदर जा रहा है तो अंदर है, स्क्रू बाहर आ रहा है तो बाहर है। चलो ये दोनों हो गए, नोट कर लिए, करते जाओ नोट। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, अब मैं ये देखो जो हम डॉट और क्रॉस लगा रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो फील्ड की डायरेक्शन के लिए, मैं कह रही हूँ करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो मैं उसे ऐसे भी डिनोट कर सकती हूँ, तो ये मैं कह रही हूँ कि करंट है, ये करंट गोइंग आउटवर्ड। अब कह रहे हो तुम मैम ऐसे कैसे आउटवर्ड है ये, तो कैसे जाएगी, अरे भाई वायर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है वायर, ठीक है, तो करंट कहाँ आ रही है इस वायर में, बाहर की तरफ, बनाया नहीं है ना थ्री डी में, करंट कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ, अच्छा, और फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर, बता सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगा लो अगर लगा सकते हो तो। इसमें तुम बता नहीं पाओगे किधर, बना पाओगे किधर, है ना, बताने से नहीं होगा या बनाने से होगा, क्योंकि आउटवर्ड इनवर्ड तो करंट हो गई, तो तुम ये तो नहीं बता पाओगे कि मैम करंट आउट, वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, क्योंकि भाई इधर उधर भी तो हो सकती है, तो यहाँ मुंह से नहीं बता पाओगे, बनाना पड़ेगा। बनाना कैसे पड़ेगा, देखो यहाँ बाहर की तरफ करंट जा रही है, थंब रखो करंट की डायरेक्शन में, थंब रखा, ठीक है, तो यहाँ आ रही है डायरेक्शन ऐसे, तो इस तरफ आ रही है। अब मैंने इसको जस्ट इधर बनाया, तुमने कहा मैम इतने श्योर को क्यों, कैसे हो कि इधर ही बनेगी, मैं श्योर इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि फील्ड की डायरेक्शन करंट के और आर के परपेंडिकुलर आएगी, अभी बताया था आई डी एल क्रॉस आर, तो जो आंसर निकलेगा इससे जो आंसर आएगा वो किसकी डायरेक्शन देगा,
किसकी डायरेक्शन देता है बच्चों, बी की डायरेक्शन देता है वो। और मैंने ये बताया था जब क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आता है उस वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट परपेंडिकुलर होती है, आई के भी परपेंडिकुलर होगी और आर के भी परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड आर। तो देखो आर तो मुझे यहाँ पे इधर की तरफ है बना नहीं है, लेकिन मैं आई डीएल के तो परपेंडिकुलर, आई के तो परपेंडिकुलर देख सकती हूँ, आई डीएल साथ में ही तो है, तो आई बाहर है तो उसकी जस्ट परपेंडिकुलर इधर ही तो होगी, ठीक है, डायरेक्शन इधर ही है। इधर क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे वो राइट हैंड, राइट हैंड से पता लगा कि फिंगर मेरी इधर जा रही है, ऐसे थंब बाहर की तरफ रखा और पी पे फिंगर मेरी इधर जा रही है, नीचे की तरफ तो नहीं होगी, ये तो 100% श्योर हो गई राइट हैंड थंब रूल से। अब एग्जैक्टली इस पॉइंट पर ही होगी, ये कैसे पता चला, इस वाले पॉइंट पे कि परपेंडिकुलर होती है भाई, करंट के जस्ट परपेंडिकुलर होगी फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, तो इसलिए मैंने जस्ट 90 डिग्री पे बनाई बी की डायरेक्शन। बोलो क्लियर हुई है बात या नहीं, बोलो। यस मैम सबको,